हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। तो जैसे कि मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि शाम को मेरा जो है विजडम टूथ निकाल देंगे, तो प्लीज़ डोंट माइंड। एक्चुअली अभी अभी निकलवा के आई हूँ मैं। अभी तो एनेस्थीसिया वो सब दिया था, तो दर्द अभी पता नहीं लग रहा है। एक्चुअली नॉर्मल ऐसे करके निकालने से निकल जाना तो ठीक था, लेकिन कैसे भी निकालने से निकला नहीं। तो उन्होंने ड्रिलिंग किया और जो गम है उसको काटा, तो पता नहीं पूरी एक्सरसाइज कर दी मेरे मुंह की फाड़ फाड़ के। मम्मी तो जैसे रोड में गड्ढे करते हैं ना, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके मेरे मुंह में ना पता नहीं क्या क्या करके कर दिया। तो करीबन आधा घंटा लगा होगा निकालने के लिए। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मुंह में ना लड्डू रखा होगा। अभी आधे एक घंटे में इसका दर्द शुरू होने वाला है। ओ गॉड, आई एम वेरी स्केयर्ड। पान रख के बात कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है बिकॉज ऐसा लग रहा है कि ऐसे यहाँ से होंठ ऐसे गिर रहा है, जीभ ऐसे गिर रही है, ऐसा लग रहा है। जोक्स अबाउट नाउ, बट इट विल बी वेरी वर्स आफ्टर सम टाइम। सो पता नहीं दर्द के उसमें मैं वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन फिर भी आपको इंटीमेट कर रही हूँ कि ये दुर्घटना, ये सर्जरी मेरी हुई है। हाय, गुड मॉर्निंग। तो अभी आज आदित्य को स्कूल भी नहीं भेजा है। देखो यहाँ पर सूजा हुआ दिख रहा होगा आपको। रात भर जो है मैं आइस पैक लगा के लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ऐसे गिरे जा रहा है, ऐसा लग रहा है, इतना ये हो रहा है। पेन किलर्स वो सब डाले हैं मैंने, लेकिन फिर भी देर इज़ अ काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इनसाइड। तो खाना भी नहीं बनाया, ऑलरेडी 12 बजने वाले हैं। आदित्य को भी स्कूल नहीं भेजा है, तो अभी दोबारा टैबलेट डाला है। तो पता नहीं एक के बाद प्रॉब्लम आई जा रही है। कल तो मैं हंस रही थी कि जब किया था तब कुछ स्पर्श पता ही नहीं लग रहा था, लेकिन अभी हालत ज़्यादा ख़राब है, इतनी टाइट है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ रख रखा हो अपने गालों के अंदर। तो जो भी एक्चुअली विजडम टीथ को नहीं निकालना होता है बोलते हैं, लेकिन जब हालत ऐसी ख़राब हो जाए तो निकाले नहीं तो क्या करें। लेकिन देर आर सम प्रिकॉशंस विच वन हैव टू फॉलो व्हेन दे गो थ्रू दिस स्टफ। तो जब भी आप कभी अपना दांत निकलवाएं, तो पहला तो जो है जब निकाल देते हैं आधे घंटे के लिए, वो रुई रखते हैं, जो रुई आधे घंटे बाद निकाल के फेंक देनी होती है। उसके बाद चाहे आपको सलाइवा आए, चाहे आपको ब्लड आए, वो आपको यू आर नॉट सपोज टू प्यूक इट, यू हैव टू गल्प इट। तो मतलब कि थूकना नहीं होता है, उसको निगल लेना होता है। बिकॉज द मोर यू प्यूक द मोर द पेन विल एंड द सक्शन विल इंक्रीज एंड ब्लीडिंग विल ऑल्सो इंक्रीज इफ इट्स ऑलरेडी यू नो इफ योर टूथ इज ऑलरेडी ब्लीडिंग। तो ये मतलब थूकना नहीं है ना, आपको गागल्स भी नहीं करने हैं, बिकॉज आप जब गागल्स करेंगे तो वो जो उसमें फंक्शन होता है उसकी वजह से भी आपका पेन इंक्रीज हो सकता है, और बाकी बहुत सारे उसके पीछे और भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। उसके बाद आपको दर्द हो रहा है करके आप बार बार ऐसे हाथ लगा के रखेंगे तो आपका पेन जो है और भी ज़्यादा हो जाएगा। बिकॉज वेन यू पुट योर हैंड लाइक दिस, इट ब्रिंग्स आउट द हीट, और उस हीट की वजह से भी जो है दर्द ज़्यादा हो जाता है। इसलिए रात को सोते टाइम पे भी या नॉर्मल में भी ऐसे हाथ बिल्कुल नहीं लगा के रखें। और उसके बाद आपको ज़्यादा जो है ठंडी चीज़ें खानी है, जैसे आइसक्रीम या ठंडी ठंडी चीज़ें खाने से जो है आपको यहाँ पे स्वेलिंग ज़्यादा नहीं आएगी। तो जैसे आप देख रहे होंगे स्वेलिंग तो मुझे थोड़ी सी आई है, अब थोड़ी तो आएगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आई, नहीं तो किसी का तो पूरा ये पोर्शन पूरा और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा फूल जाता है, क्योंकि प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लेते। तो आइस पैक भी आप जब लगाते हो तो कंटिन्यूसली उसको दर्द ठीक हो रहा करके लगा के मत छोड़ दीजिए, बिकॉज देन आइस में रहने से भी क्या बोलते हैं समथिंग कुछ होता है, नाम याद नहीं आ रहा है, फ्रीजिंग टाइप से कुछ और हो जाता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा जैसे 1 मिनट लगाया फिर निकाल दिया, थोड़ा सा ऐसे हवा लगने दिया और फिर लगाया, वैसे लगाना है। और स्पाइसी चीज़ें भी ज़्यादा नहीं खानी है बिल्कुल, और स्ट्रॉ से भी कुछ नहीं पीना चाहिए, क्योंकि चाहे आप थूकें चाहे स्ट्रॉ से पिए तो मुंह में वही वाला मोमेंट होता है जो कि नहीं होना चाहिए।
और कोई हार्ड चीज़ें ना खाएं, मैक्सिमम जो आप इजीली गल्प कर पाएँ और च्यूई कर पाएँ वही चीज़ें लेनी है। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं फॉलो करेंगे, एक तो दर्द ज़्यादा होगा, जल्दी हील नहीं होगा और फिर सर में दर्द भी आएगा। तो सुबह से ऑल दो मैंने टैबलेट डाल के रखी थी, फिर भी मेरी हालत थोड़ी ऑफ कोर्स ख़राब तो होनी है थोड़ी बहुत। तो अभी 12 बजने वाले हैं, टिफ़िन तो आज तो सुबह ये ऑफिस 7 बजे ही चले गए थे, तो बॉक्स वॉक्स तो वैसे भी बना नहीं पाती इतना सुबह, क्योंकि कंडीशन तो ऐसी है। और ब्रेकफास्ट भी इन्होंने वो मंगवा दिया था पहले हमारे लिए, तो मैंने इडली खाया था ब्रेकफास्ट में, बिकॉज सॉफ्ट रहता है। और खाना अभी तक बना नहीं है, चावल चढ़ा के आई हूँ मैं, थोड़ी सी दाल रख दूँगी, सोचो थोड़ा इजीली हो जाएगा, बच्चों को भी रेडी करना है। तो घर में जब होम मेकर की तबीयत का कुछ हो जाए तो बाकी सारे काम जो है रुक जाते हैं, सबको आपको मालूम ही होगा, ऐसा ही होता है ना। मेरे जैसी बीमार हो तब भी काम करना पड़ेगा, काम हो तब भी काम करना पड़ेगा, इन ऑल द सिचुएशन काम काम काम। और स्पेशली थोड़े बड़े बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा हेल्प हो सकता है, लेकिन मेरे तो नन्हे नन्हे बच्चे हैं तो उन लोग के लिए करना ही पड़ता है। अभी कैसे जैसे उठ के मैंने उनको दूध वूध दिया गर्म करके, फिर नाश्ता खिलाया बैठ के, और ताकि मैं थोड़ा ठीक रहूँ इसलिए मैं टैबलेट टाइम पे डाल ले रही हूँ। और पेन किलर तो जो है एक्चुअली थोड़ा जल्दी ही डाल रही हूँ, क्योंकि अगर पेन स्टार्ट होने के बाद डालेंगे आप, तब तक जब तक वो हील हो जाएगा, तब जब तक वो दर्द कम होगा तब तक फिर आपको जो है कमज़ोरी आ जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा पेन ना हो इसलिए थोड़ा पहले ही डाल ले रही हूँ। अभी दाल चढ़ानी है, और घर पूरा ऐसे ही ना कबाड़ा मच चुका है घर का, बेडशीट देखिए, बेड पे भी हालत ख़राब हो रखी है, ये देखो सब कुछ ऐसे ही पड़ा है, कुछ फोल्ड नहीं किया है, और कपड़े धुले हुए भी फोल्ड नहीं करे हैं, बर्तन भी पड़े हैं। सुबह सुबह काम वाली आई थी तब मैं लेटी पड़ी थी, तब तो बहुत हालत ख़राब थी। तो माय मेड इज़ सो स्वीट, उसने बोला कि मैं थोड़ा चाय बना दूँ क्या, पियोगे क्या? एक्चुअली गर्म चीज़ें तो नहीं लेनी होती है, बट मेरे को मन कर रहा था थोड़ा कुछ गले में गर्म जाए, बिकॉज़ दांतों पे टच नहीं होना चाहिए, खाने वाली गर्म चीज़ खाएंगे तब तो प्रॉब्लम है। तो मैं बस ठीक है करके तो उसने चाय बना के दे दी, अपने लिए भी बना ली, तो थोड़ा सा मैंने पिया था। पीने के बाद फिर मैं उठी, तब इनको जो है मैं नाश्ता वाश्ता खिलाया था। तो अभी घर की कंडीशन देख के तो मेरे को और ज़्यादा वीकनेस आ रही है, लेकिन धीरे धीरे शुरू करती हूँ अभी ठीक करना। चलो शुरू कर लेती हूँ अभी। और अगर आपके पास भी कोई रेमेडीज है कि जल्दी ठीक हो जाए तो मुझे बताना, क्योंकि पिछली बार जब इस साइड वाला निकाला था तो 15 दो निकालने के बाद भी इन्फेक्शन आ गया था प्रॉब्ली, वो डॉक्टर ने इतने अच्छी तरह, अभी मेरे को अंदर टांके भी लगे हैं तो बिकॉज़ उन लोगों ने जो है मेरा गम ही काट दिया है, तो गम को पकड़ के और जो निकला है दांत उसको पूरा खींच के टांके लगाए हैं। तो इस टाइप पे इस साइड में भी लगाए थे, लेकिन उन्होंने बहुत ढीले लगाए थे, क्योंकि उसके बाद जो कुछ खाया था मैंने 3 दिन के बाद भी, 3 दिन के बाद खाने के बाद खाना जाके वो दांतों में से घुस के उसमें अटक गया था, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया था। तो 15 दिन इट वॉज़ रियली हॉरिबल टू बेयर दैट पेन एंड ऑल, लेकिन अभी दूसरे डॉक्टर से करवाया है तो काफ़ी अच्छी तरह किया है उन्होंने, क्योंकि मैंने देखा था शीशे में, क्योंकि जब इधर किया था तो टांके में गैप दिख रहा था, लेकिन अभी ये ऐसा है कि खाना वाना तो जाके अटकेगा नहीं, अच्छी तरह किया है। तो इसलिए आ करके भी मैं पूरा जैसे कुछ खाना है तो ना मुझसे आ भी नहीं हो पा रहा है अभी टांकों की वजह से, बिकॉज इट्स स्टिफ। तो चलिए काम कर लेते हैं। तो बेडरूम की भी हालत ख़राब है, पहले वो ठीक कर दी। इसको नहला चुकी हूँ मैं,
अभी बड़े वाले को नहलाना है, नहला के मिलती हूँ और मैं भी नहाने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो लंच वंच बड़ी मुश्किल से खा लिया, ऐसे ऐसे करके डालना पड़ रहा था साइड में, क्योंकि इधर चला जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, ऐसे करके ऐसे धक्का मारना पड़ रहा था इस साइड को। और बच्चों को भी खिला दिया, हाँ छोटा वाला तो सो गया अभी, और बड़ा वाला जो है थोड़ा टीवी देख रहा है। तो पहले मैं अपनी टैबलेट डाल लेती हूँ। तो जब भी आपका दांत वहाँ उखाड़ दिया जाए तो एंटीबायोटिक पक्का यूज़ कीजिए, उसको स्किप मत कीजिए। हम खरीदते टाइम तो सारी टैबलेट्स खरीद लेते हैं, लेकिन डालते टाइम ना कुछ कुछ स्किप कर देते हैं कि चलो ये एक डालेंगे तो काफ़ी हो जाएगा, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। बोलते ना इंडिया में सब कोई डॉक्टर है। तो पहले मैं ये टैबलेट्स डाल लेती हूँ, एक तो एंटीबायोटिक है और दूसरी स्वेलिंग नाई उसके लिए है और तीसरा पेन किलर है। तो पहले डाल लेती हूँ। टैबलेट्स जो है मैंने ऊपर रख दिए ताकि बच्चों के हाथ में ना लगे। तो टैबलेट्स कभी भी बच्चों के नज़दीक में मत रखिए, क्योंकि उनको कलरफुल दिखती है तो वो उनको भी टॉयस समझ के फिर खोलना वोलना शुरू कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और अभी मुझे बहुत काम है, बर्तन भी मैंने अरेंज नहीं, क्योंकि कल सुबह हम बाहर जाने वाले थे तब भी अरेंज नहीं किए और शाम तक तो हालत ख़राब। तो कल के आज के बर्तन पड़े हैं, कल के आज के कपड़े फोल्ड करने के लिए पड़े हैं, और उसके अलावा बाहर से आते टाइम आदित्य की बुक्स और नोटबुक्स भी ली थी, उनको कवर भी चढ़ाना है, इतना सारा काम है। तो पेन किलर डाल लिया इसलिए थोड़ा देर तो आई एम फाइन, अगर पेन किलर नहीं होता तो क्या हालत हो जाती अपनी, हाय राम। तो चलिए दिखाती हूँ आपको क्या कंडीशन है, मतलब सब कुछ अरेंज तो कर दिया है मैंने, लेकिन उनको ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है अभी। ये देखो सो रहा है यहाँ पे, बेशक सो रहा है। और ये है बर्तन अरेंज करने वाले जो अरेंज करने हैं, उसके अलावा क्योंकि क्योंकि टब खाली नहीं है तो जो झूठे बर्तन हैं यहीं पे रखे हुए हैं मैंने, और कपड़े तो ये देखिए ये कपड़े फोल्ड करने हैं, और यहाँ पे चार्ट पेपर और उसके बुक्स इस पे हैं, तो कवर चढ़ाने का काम बाकी है और ये सब काम बाकी है, करना है जब तक हिम्मत है, जब तक थोड़ा ठीक हूँ तो कर लूँगी। और अभी मैं हॉल में आई हूँ और आदित्य जो है टीवी देख रहा है, स्कूल नहीं गया है यहाँ पे, और ये टीवी चल रही, टीवी देख रहा है। और मैं तो भूल गई, पौधों में भी पानी नहीं डाला है मैंने, पौधों में भी पानी डालना है। इतने सारे काम बाकी है, आपको दिखाई दे रहा है क्या सूर्य? मुझे तो लग रहा है, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। तो साल में मैंने ऑब्जर्व किया है कि कोई ना कोई ऐसा टाइम होता है कि जब थोड़ा टफ टाइम होता है, हेल्थ से रिलेटेड हो या किसी और से रिलेटेड, मतलब ओवरऑल एक टफ टाइम ज़रूर रहता है साल में। तो मेरे को ही ऐसा लगता है कि आप लोग को भी ऐसा लगता है, मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा होता है कि नहीं आप लोग के साथ। तो अभी टाइम जो है 4 बज गए हैं और इतना सारा काम बाकी है। हाँ तो मैंने आपको आधा घंटा टाइम ज़्यादा बता दिया, 4 नहीं बजे, 3:30 ही हो रहे हैं अभी, मतलब 3:35। तो पहले बर्तन अरेंज कर लेते हैं। बर्तन अरेंज करना और कपड़े फोल्ड करना सबसे गंदा वाला काम है, लेकिन फिर भी करना ही पड़ता है। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे फ्रेंड्स लोग मुझसे पूछ रहे थे, आपको शायद कपड़े फोल्ड करना बड़ा पसंद है। पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लेके प्रॉपरली फोल्ड करने से महीने में एक बार ऐसे वार्डरोब के सामने बैठना नहीं पड़ता है कि आज अरेंज करते आज अरेंज करते, कि मतलब
अगर प्रॉपरली रखो तो कबाड़ा मच जाएगा, और कबाड़ा मच जाएगा तो उसके लिए आपको 2-3 घंटे लगाने पड़ेंगे। जो काम आप 5 मिनट में कर सकते हो उसके लिए आपको पूरा दिन लगाना पड़ेगा। तो यही मेरा फंडा है, पसंद नहीं है लेकिन फिर भी प्रॉपरली कर लो तो दोबारा बार बार यू डोंट नीड टू गो बैक एंड यू नो सिट फॉर लॉन्ग टाइम टू यू नो एडजस्ट और ऑर्गेनाइज इट। बस वही है, तो पहले इसको सही कर लेती हूँ मैं। तो बर्तन सारे अरेंज हो गए और ये पूरा खाली हो गया, तो जो जूठे बर्तन है वो इसमें डाल देती हूँ मैं। तो देखिए किचन पूरा साफ हो चुका है फ्रॉम ऑल एंगल्स। अब मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। घर में मेन काम कपड़े और बर्तन का ही होता है, अगर वो दोनों हो जाए तो घर पूरा साफ लगता है, वरना कबाड़ मचा जैसा लगता है। तो कपड़े भी फोल्ड कर लेती हूँ। कवर आज चढ़ाऊँगी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि पेन किलर डाल के भी, मतलब अभी जो मैंने एंटीबायोटिक डाला था उससे पहले ही मैंने पेन किलर डाल लिया था, क्योंकि पेन शुरू होने के बाद डालने के बाद फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि पेन दोबारा स्टार्ट हो रहा है, तो पहले कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, तब देखूँगी कि अपनी हेल्थ के हिसाब से मतलब ठीक ठाक है तो कर लूँगी, वरना आज के लिए डिले कर दूँगी, क्योंकि आज तो फ्राइडे है और कल परसों छुट्टी है आदित्य की, तो देखूँगी करना है कि नहीं, क्योंकि करना तो मैंने ही है, चाहे आज करो चाहे कल करो, बट स्टिल देखूँगी। तो मैं कपड़े फोल्ड करने के लिए चिल्ड्रन बेडरूम में आ गई, क्योंकि उन दोनों को वहाँ सुला रखा है। फोल्ड करके अभी यहीं पे रख दूँगी, जब वो उठेंगे तब उसके बाद वार्डरोब में रखूँगी, क्योंकि अभी वार्डरोब खोलेंगे बंद करेंगे तो साउंड आएगी, फिर जग जाएंगे वो लोग। और अभी अपन जो है बुक पे कवर नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि मैं नेम स्लिप्स तो लेना ही भूल ही गई, तो लोचा हो गया, क्योंकि आधा काम अभी करेंगे फिर बाद में फिर वो खुलते रहेंगे, इसलिए एक साथ ही पूरा करूँगी। तो वो भी मंगवा लूँगी भैया से या इनसे बोल दूँगी लाने के लिए। उसके बाद कवर चढ़ाऊँगी, पहले कपड़े फोल्ड करके बाकी काम देखती हूँ। तो ये देखिए कपड़े फोल्ड करके मैंने यहाँ रख दिए हैं, और बाद में मैं इसको उधर वार्डरोब में रख दूँगी। देखिए सूजन थोड़ी बढ़ रही है, ऐसे टच करने से भी दर्द हो रहा है। और आयरन के कपड़े भी मैंने बांध दिए हैं एक दूसरे वाले लंबे से कपड़े में, तो भैया को दे दूँगी तो आयरन करके दे देंगे। तो मेरी मम्मी को भी मैंने, मम्मी लोग भी फ़ोन कर रहे थे ऐसे ही, क्योंकि कुछ दिन पहले बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, तो पहले बड़े वाले की ख़राब हुई, फिर उसके छोटे वाले की ख़राब हुई, फिर मेरी ख़राब हुई, और उसके बाद अभी ये। तो मम्मी बोल रही थी क्या है ये एक के बाद एक नज़र निकालो करके बोल रही थी, तो बच्चों की इनकी सबकी नज़र तो मैंने निकाल दी, मेरी कौन निकालेगा बताओ। तो आप लोग हैं ना मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग मेरी नज़र निकालो। हाँ ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए अभी इस साल के लिए, बस है ये, अब प्रे करो और नज़र निकालो कि और कुछ भी ना आए आगे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो आपकी दुआ तो पक्का काम करेगी। तो चलिए आज का व्लॉग इतना ही था, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।